हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैड कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड टू ऑयल के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हमें अपने डाइट में, अपने खाने में ऐसे कौन से तेल हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारे हार्ट को सबसे अधिक समस्या होती है और उस दौरान हार्ट अटैक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो जाती है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑयल की, तो जो ऑयल होता है या फिर फैट होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वसा में घुलनशील जितनी भी विटामिन होती हैं वो सभी हमें ऑयल से या फिर फैट से मिलती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हमको कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए और कौन सा ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हम खा रहे हैं वो सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही हो। किसी भी चीज की अधिकता हर तरह से नुकसानदायक होती है, चाहे वो प्रोटीन की हम बात करें, चाहे हम फैट की बात करें, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे मिनरल्स की बात करें, अधिकता हर चीज की नुकसानदायक होती है। तो ऑयल से हमें क्या मिलता है, जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, मतलब कि फैट में घुलनशील विटामिन होती हैं, वो हमको मिलती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, इसमें होता है ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन होती हैं जो हमको फैट या फिर ऑयल के थ्रू मिलती हैं। लेकिन हमको यहाँ पे सही ऑयल का चुनाव करना है, क्योंकि आजकल मार्केट में तरह तरह के ऑयल आ गए हैं, तरह तरह के तेल बिक रहे हैं और लोग इनका भरपूर यूज कर रहे हैं। सबसे खास अगर किसी ऑयल ने जगह बनाई है तो वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का लोग यूज बहुत ही धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ही खतरनाक है। किस तरह से, अभी हम बात करेंगे। तो अगर हम तेल की बात करें तो कौन कौन सा तेल है जो व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल नंबर एक पे है, सूरजमुखी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया। इसी तरह से बहुत सारे तेल हैं जो लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसे तेल हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे तेल हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें रिफाइंड ऑयल की, तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिफाइंड मतलब कि इसको पूरी तरह से छान दिया जा रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो फिर हम ऐसी चीजें क्यों खाएं जिसमें कुछ है ही नहीं। जैसे कि अभी मैंने बात की कि हम तेल या फिर फैट किस वजह से, किस लिए खाते हैं, हम इसलिए खाते हैं ताकि हमको ये विटामिन मिल सके। लेकिन जब इस तेल में ये विटामिन है ही नहीं, तो फिर हम क्या ले रहे हैं, हम एक तरह से खराब चीजें ही ले रहे हैं। ये जो रिफाइंड ऑयल होता है, एक तरह से ये पॉइजनस होता है। किस तरह से होता है, रिफाइंड ऑयल जो भी नेचुरल ऑयल होता है, प्राकृतिक ऑयल होता है, जैसे कि अगर हम मस्टर्ड ऑयल की बात करें, जो सरसों का तेल होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जो सरसों का तेल होता है, सरसों से प्राप्त करते हैं, तो ये क्या होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। उसमें ये सभी चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होती हैं। उसमें पर्याप्त मात्रा में वो सभी मिनरल्स होते हैं, वो सभी फैट्स होते हैं जिसकी हमारे स्वास्थ्य को जरूरत होती है। और प्राकृतिक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल हेल्दी होता है। लेकिन जब इसी तेल को रिफाइन कर दिया जाए तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस सरसों के तेल को रिफाइन करते हैं तो जो रिफाइन करने का तरीका होता है उसमें ये होता है कि किसी भी तेल को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे खौलाया जाता है, उसको पकाया जाता है, और उसके बाद उसको रिफाइन करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। जैसे कि जो भी रिफाइंड ऑयल होता है इसको प्यूरिफाई करने के लिए, एल्कली का यूज किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट, इसको ब्लीच करने के लिए, इसको ब्लीच करने के लिए एसिड का यूज किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कुल मिला के जो रिफाइंड ऑयल होता है, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, अननेचुरल कर दिया जाता है, अनहेल्दी कर दिया जाता है, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो चीज न्यूट्रलाइज होती है वो क्या होती है, एक तरह से जीरो होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो आप ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें कुछ है ही नहीं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये नुकसानदेह। साथ ही मैंने यहाँ पे बात की थी कि इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पहले खौलाया जाता है, पकाया जाता है, इसके बाद इसको प्यूरिफाई किया जाता है, इसको ब्लीच किया जाता है, साथ ही इसकी महक को भी हटाया जाता है, इसको ओडरलेस बनाया जाता है, जो नेचुरल एक महक होती है तेल में उसको भी हटा दिया जाता है,
जाता है जब भी तेल को रिफाइन किया जाता है उस दौरान। इसका मतलब कि जो भी शुद्ध तेल का स्ट्रक्चर होता है, नेचुरल स्ट्रक्चर होता है या फिर नेचुरल क्वालिटी होती है, फिर जो भी उसके नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो सारा चेंज कर दिया जाता है और एक तरह से उसको क्या बना दिया जाता है, रिफाइन ऑयल बना दिया जाता है, जो हमारे शरीर में ट्रांस फैट को बढ़ाता है। ट्रांस फैट की वजह से ही हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एस होता है लो, डी से डेंसिटी और एस होता है लाइपोप्रोटीन, तो इसका लेवल हमारे शरीर में हमेशा कम होना चाहिए। अब जिस चीज का लेवल शरीर में कम होना चाहिए, अगर उसका लेवल शरीर में बढ़ जाए तो फिर वो नुकसानदेह ही होता है। जैसे कि व्यक्ति के शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए, व्यक्ति के शरीर में अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाए, व्यक्ति के शरीर में अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाए, व्यक्ति के शरीर में अगर फैट की अधिकता हो जाए, तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। किसी भी तत्व का बढ़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इतने भी रिफाइंड ऑयल है, हमको उनका यूज नहीं करना है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को इतना अधिक तापमान पे उसको हीट किया जाता है कि उसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। वो तेल क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब हम उसको खाते हैं, अपने सब्जी में उसका यूज करते हैं, दाल को छौंकने के लिए उसका यूज करते हैं, किसी चीज को फ्राई करने के लिए उसका यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जब हमारे शरीर में जाता है तो वो ट्रांसफैट को इकट्ठा करता है, ट्रांसफैट को बढ़ा देता है, और इस वजह से हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम LDL बोलते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है। और फिर हमको हार्ट अटैक की समस्या, डायबिटीज की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, ये सभी समस्या होती हैं और इनके लक्षण हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। इसके अलावा ये कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा देता है। अगर कंटिन्यू हम अपनी डाइट में रिफाइंड ऑयल को यूज करते हैं तो ये कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करना है। अगर आपको तेल यूज ही करना है तो आप कौन सा तेल यूज करेंगे, इसके लिए आप शुद्ध घी का यूज कर सकते हैं अपने खाने में, लेकिन शुद्ध घी बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, तो लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो आप इसकी जगह पे शुद्ध सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, या फिर आप नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, या फिर आप मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी तेल हो वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए। रिफाइंड का मतलब कि आप क्या ले रहे हैं, एक तरह से स्वीट पॉइजन ले रहे हैं, एक ऐसा जहर ले रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके शरीर में अपनी जगह बना रहा है और एक ऐसे रोग को, या फिर ये कहें कि बहुत सारे रोगों के समूह को वहां पे विकसित कर रहा है, वहां पे बढ़ावा दे रहा है। इसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलता है, जब लंबे समय तक हम अपने खान पान में वही चीजें शामिल करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर उसका रिजल्ट कुछ समय बाद देखने को मिलता है, तुरंत देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल सबसे अधिक अगर किसी चीज के रोगी बढ़ रहे हैं तो वो है आर्थराइटिस, मतलब कि जो गठिया की समस्या होती है, जोड़ों में दर्द की समस्या हो रही है, सबसे अधिक पेशेंट इसके आ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट आ रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्या बहुत लोगों में देखने को मिल रही है, और डायबिटीज मेलिटस, मतलब कि जो मधुमेह की समस्या है, ये बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तो ये चार ऐसे रोग हैं इस समय जो सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह है कि जो हमारा तेल है, मुख्य जो भोज्य पदार्थ में हमारा तेल आता है, वो हम अच्छा यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का जो भी खाना होता है उन सभी में कहीं ना कहीं घी या फिर तेल शामिल होता है। चाहे हम सब्जी बनाए, चाहे हम पराठा बनाए, चाहे हम पूरी बनाए, कोई भी डिश बनती है तो उसमें तेल या फिर घी का यूज होता है। तो अगर हमारा जो तेल है वो अच्छा नहीं होगा तो समझ सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां और किस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर सकती हैं। अगर हम बात करें एक लाइन में कि हमको कौन से तेल खाने चाहिए और कौन से तेल नहीं खाने चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन तेलों के बारे में जो हमको नहीं खाने चाहिए। इसमें आता है राइन ब्रॉस ऑयल, मतलब कि जो धान की भूसी से बना हुआ तेल होता है वो हमको यूज नहीं करना चाहिए। फिर इसमें आता है सूरजमुखी का तेल, कैनोला का तेल, सोयाबीन का तेल और मक्के का तेल। ये ऐसे तेल हैं जिनका इस्तेमाल हमको खाने में नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कि हमको कौन से तेल खाने चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आता है घी। तो अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दूसरे नंबर पे हम यूज कर सकते हैं सरसों का तेल, और तीसरे नंबर पे हम यूज कर सकते हैं तिल का तेल, चौथे नंबर पे मूंगफली का तेल, और पांचवें नंबर पे हम नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब अगर बात करें कि इसका यूज अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हमको हो सकती हैं, सबसे पहले इसमें समस्या होगी हाई ब्लड प्रेशर की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, व्यक्ति का जो हार्ट होता है उसको अधिक फंक्शन करना पड़ेगा। किस वजह से अधिक फंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप तेल खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, और जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमेगा
तो ये जो ब्लड जा रहा है इसका जो फ्लो है वो क्या होगा, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये अब धीरे धीरे संकरा हो जाएगा। अगर हम देखें कोई ट्यूब है, मान लीजिए अगर ये एक ट्यूब है, अब इसके चारों तरफ क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमने लगी, तो जब कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमेगी धीरे धीरे तो अब ये जो ट्यूब का एरिया ये क्या होगा, इसका जो ल्यूमेन होगा वो क्या होगा, संकरा होता जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब जब ये जो एरिया है ये पहले इतना था, अब ये कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से क्या हुआ, इतना बचा, तो अब इसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो हमारे पूरे शरीर को खून पहुंचाने का काम, ब्लड सर्कुलेशन का काम कौन करता है, हार्ट करता है। और जब हार्ट को अच्छे से खून नहीं मिल पाएगा तो अब क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसके ऊपर जोर पड़ेगा, क्योंकि उसका काम है कि वो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करे। लेकिन जब ये फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो ब्लड सप्लाई भी अच्छे से नहीं होगी, और इसलिए हार्ट क्या करता है, अधिक काम करता है, अधिक पंपिंग करता है। जब हार्ट अधिक काम करेगा, अधिक पंपिंग करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाएंगे, और जब मसल्स कमजोर होंगी तो फिर हार्ट फेलियर होने का रिस्क बढ़ जाएगा, और इसके अलावा हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी जो परत होती है ये टूट के इस ब्लड में मिल जाती है। अब अगर परत टूट के इस ब्लड में मिल गई तो हमारे ब्लड में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल की परत प्लेटलेट्स के साथ मिलती है तो क्या होता है, ये एक ब्लॉकेज बना देती है, इस तरह से ब्लॉकेज हो जाता है। अब ब्लड इधर सप्लाई हो रहा है तो ब्लॉकेज इधर होगा, ब्लॉकेज हो जाता है, और जब वहां पे ब्लॉक होगा तो फिर आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, और इस वजह से हार्ट को ब्लड ही नहीं मिल पाएगा। तो अपना काम करने के लिए हार्ट को भी ब्लड चाहिए, हार्ट को जब ब्लड मिलेगा तभी वो काम कर पाएगा। अब जब हार्ट को ब्लड भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक की समस्या हो जाएगी। एक छोटी सी गलती जिसका शायद हमको एहसास भी नहीं होता, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन ला सकती है। इसके अलावा जो लीवर होता है उसका भी फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, लीवर भी इससे प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप खराब तेल खा रहे हैं तो सिर्फ हार्ट पे ही इसका असर पड़ेगा, इसका असर लीवर पे भी पड़ता है, वो भी अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता है, और किडनी पे भी इसका असर पड़ता है। तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं कहीं ना कहीं वो सभी एक दूसरे के फंक्शन से संबंधित हैं। अगर एक का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो दूसरे का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होगा। इसलिए अगर हमारा खाना अच्छा है तो समझिए कि सब कुछ अच्छा है। तो अगर हम अपने खाने में खराब तेल का इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट की समस्या तो हमको होगी ही होगी, और हार्ट की वजह से फिर हम डिस्टर्ब होंगे तो मेंटल प्रॉब्लम भी होगी, मेंटल प्रॉब्लम होगी तो फिर सारा जो शरीर का मैकेनिज्म है वो प्रभावित होगा। हमको लीवर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमको किडनी की प्रॉब्लम होगी, हमको ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, त्वचा संबंधी रोग भी देखने को मिल जाते हैं, और बांझपन की भी समस्या देखने को मिल जाती है। इसके अलावा व्यक्ति में कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, डाइजेशन की समस्या हो जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम उसको शुरू हो जाती है अगर उसका जो तेल वो डाइट में अपने यूज कर रहा है वो सही नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे भोजन में वो सभी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो फिर कोई भी रोग आसानी से हमारे अंदर घर नहीं कर सकता। जैसे कि अभी हमने बात किया कि अगर हमारा खान पान में हमारा जो ऑयल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे खाने में, अगर वो सही है तो फिर ऐसे ही हम 50% ठीक है। बाकी जो हमारा डाइट पैटर्न है अगर हम उसको सही कर लें तो कोई भी बीमारी आसानी से हमको टच नहीं कर पाएगी। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।